हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरव और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हीरो स्प्लेंडर प्लस की वीडियो। तो ये हमारी पहली बाइक है और इसे हमने कुछ दिन पहले ही खरीदा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पांच चीज़ें बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। पहली, इस गाड़ी में कौन कौन से कलर आते हैं। दूसरी, इस गाड़ी के फीचर्स। तीसरी, इस गाड़ी का जो माइलेज है वो भी हम आपको बताएंगे। चौथी, इस गाड़ी के साथ एसेसरीज के रूप में आपको क्या क्या मिलेगा। पाँचवीं और मेन बात, इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बाइक का जो कलर है फायरफ्लाई गोल्डन है। इसको जो फायरफ्लाई गोल्डन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कलर भी काफ़ी बढ़िया है। और इस बाइक में आपके पास तीन कलर आते हैं। पहला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा आएगा बिटल रेड और तीसरा आएगा बम्बलवी येलो कलर। इन कलर्स में सिर्फ इतना ही अंतर है, फिर जो ब्लैक के ऊपर जो ये ब्लैक है इसके ऊपर जो स्टिकर लगे हैं सब वही चेंज हो जाएंगे, बाकी अंदर ब्लैक कलर ही रहेगा। तो ये मैं समझना कि पूरे चेंज हो जाएगा, सिर्फ ये स्टिकर चेंज होंगे, बाकी अंदर ब्लैक कलर रहेगा। और अगर आप स्टिकर एजेंसी से लगवाते हैं तो आपको करीब करीब 1400-1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे इन स्टिकर के। ग्राफिक्स है ना, इनके आपको देने पड़ेंगे, इस साइड के और उस साइड के भी हैं। टोटल मिला के 1500 आपको देने पड़ेंगे। हमने भी गाड़ी पर 1500 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बाजार या ऑनलाइन से स्टिकर लगवाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टिकर 500 से 600 के बीच में मिल जाएंगे। तो आपका सस्ते में काम निपट जाएगा और 1000 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। और फिर जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो पहले हम आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का व्यू, कैसी ये गाड़ी लगती है शुरुआत से। तो आप देखिए आगे से गाड़ी का जो व्यू है ना, बहुत मतलब शानदार है, अलग ही चमकती है गाड़ी। 10 में से आपको पता ही होगी हीरो की गाड़ी इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है, और गाड़ी के मुकाबले और कंपनी के मुकाबले हीरो की गाड़ी सबसे ज़्यादा चलती है। ये देखिए पहले मैं आपको व्यू दिखा दूँ, फिर मैं आपको इसके भी बता दूंगा फीचर्स। अभी मैं आपको पहले पूरा दिखा दूँ कि आगे पीछे से कैसी लगती है गाड़ी। ये देखिए हमने दुर्गा एजेंसी खरीदी है, ये भी आप देख सकते हैं डबरा से। मतलब गाड़ी का जो कलर वगैरह डैन वगैरह वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ तक कि ये टॉप मॉडल है गाड़ी का। और इसकी ऑन रोड प्राइस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो पहले इस गाड़ी में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। इसका मतलब है अगर आप पिछले बार ब्रेक लगाते तो अगला बार अपने आप लग जाएगा, लेकिन ये कोई नया फीचर नहीं है, पहले से इन गाड़ियों में आता है। और अब बात करते हैं इसके टायर की। तो टायर आप देख सकते हैं ट्यूबलेस है, अगर आप फोकस करें तो देखिए आराम से ट्यूबलेस टायर है। और इसकी जो हेडलाइट है उसके अंदर मिलेगा आपको हेलोजन लैंप। और आप देख सकते हैं वही सिंपल मॉडल है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि गाड़ी में चेंजेस कम ही होते हैं, माइनर चेंजेस है, बाकी सब वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। बाकी आप हैंडल को देखो तो हैंडल भी सिंपल ही है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है इस हैंडल पर। इसमें बस इतना चेंजेस है कि इसमें आई थ्री एस भी थोड़ा मतलब पहले से आ रहा है, मतलब जैसे कि अभी नया ही है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं हुआ i3s भी। तो इसकी मदद से क्या है ना, आपकी पेट्रोल की बचत हो जाती है अगर i3s होगा तो। अगर लेकिन इसके लिए आपको i3s को ऑन रखना होगा, तभी आप पेट्रोल की बचत कर पाएंगे। अगर आप मीटर पर देखें तो ये गाड़ी देख सकते हैं आप 293 किलोमीटर चल चुकी है। तो आप देख मीटर में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये गाड़ी को ले लिए हम 20 से 22 दिन हो चुके हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सच बोलना ही होगा। इस गाड़ी में आपको मोबाइल चार्जिंग सिस्टम भी मिलता है, अगर आप यहाँ देखें तो इसमें आप आराम से USB केबल लगा के आप आराम से मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपका मोबाइल चार्ज नहीं है तो। और अगर मैं इस गाड़ी के टैंक की बात करूँ तो इसमें आप 9 लीटर 600 ml पेट्रोल आसानी से डलवा सकते हैं। और अगर मैं इस गाड़ी के माइलेज की बात करूँ तो वो 60 से 70 के बीच में आता है नॉर्मली, क्योंकि वो तो आपके राइड के ऊपर है, आप कैसे गाड़ी चलाते हो कहाँ चलाते हो उससे माइलेज थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन नॉर्मली 60 से 70 के बीच में तो आता ही आता है। इस गाड़ी के पिछले टायर के बारे में बात करूँ तो आपको ये 18 इंच का ही मिलेगा, वो तो आगे वाला भी 18 इंच का है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं इस गाड़ी का जो लुक है वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर मैं आगे से दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हमने खुद खरीदी है इसलिए हम आपको अपना एक्सपीरियंस आराम से शेयर कर सकते हैं आपको। अगर मैं एसएस की बात करूं तो आपको देख सकते हैं आपको एक मिलेगी सीट अभी लग चुकी है 4-5 दिन पहले, और ये मिला है एक हैंडल कवर, तो एक मिला एक हेलमेट। तो हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का आप आराम से देख सकते हैं, हीरो की हेलमेट है, बाकी आप देख सकते हैं चिट भी अभी छूटी नहीं है, थोड़ी दिनों बाद छूटा देंगे, तो भी हम ज़्यादा कहीं गए नहीं है इसलिए हमने छूटा ही नहीं उसकी चिट।
और ये आप चाहे स्विच कर सकते हैं इसको। तो अब बात करते हैं और चीज़ों की। और अगर मैं इस गाड़ी के इंजन की बात करूं तो आपको इसमें, अगर मैं दिखाऊं तो आपको इसमें 97.2 सीसी का इंजन मिलेगा, आप देख सकते हैं आराम से। इसमें 97.2 सीसी का इंजन मिलेगा और काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है वैसे देखी जाए तो। हीरो की गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है क्योंकि इसके जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है और गाड़ी के मुकाबले। अगर हम बात करें इसके गियर की तो आपको इसमें चार गियर देखने को मिलेंगे, पांचवा गियर आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की सबसे मेन चीज़, यानी कि इसकी ऑन रोड प्राइस। तो ये गाड़ी हमको बीमा वगैरह सब कुछ कराने का पड़ी है 87,500 रुपये की। एक्चुअली उसने हमें बताया तो 87,900 थे, लेकिन हमने उससे ज़्यादा कहा तो उसने 400 रुपये कम कर दिए। हमने ये गाड़ी MP के ग्वालियर जिले के डबरा से खरीदी है। अगर आप भी MP में कभी खरीदते हैं तो आपको भी 500 से 1000 रुपये का अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप MP से बाहर खरीदते हैं तो आपको 2000 तक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इस आधार पर देखें तो आपका बजट 85,000 से 90,000 के बीच में होना चाहिए तो आप इस गाड़ी को आराम से परचेज कर सकते हैं। और इसका जो जेड ब्लैक कलर है उसका ऑन रोड प्राइस है 86,400, लेकिन उस पर कोई स्टिकर वगैरह नहीं है, वो पूरा ब्लैक कलर है। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उस पर आपके 1500 रुपये स्टिकर वगैरह के बच जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने स्टिकर 1500 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। देखा जाए तो हमें पता नहीं था, नहीं हम भी स्टिकर नहीं लगवाते, बाजार में ही लगवा लेते, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो मर्जी जैसी आपकी आप कर लेना, पर मेरी सलाह ये रहेगी कि आप मार्केट से स्टिकर लगवा लें, क्योंकि मार्केट में यही स्टिकर आपको 500-600 में मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक बार गाड़ी को चालू करके दिखा देता हूँ ताकि आपको, ये देखिए चालू हो चुकी है, तो बस हमें वही दबाना। ये देखिए गाड़ी चालू हो चुकी है, तो अभी हम कर देते हैं इसको एक बार बंद। तो सच बताऊं तो मुझे तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में हर चीज़ को कवर करूं, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूट जाता है या फिर कोई छोटी बड़ी गलती हो जाती है तो आप मुझे माफ़ कर देना। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सी बाइक लेने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना मन से, अगर पसंद आए तो दिल से लाइक करना। और मैं इस चैनल पर आगे एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाऊंगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।